Hello, my dear friends. I'm Roshni, and uh, I am here with another lesson on grammar. So, as usual, I guess you all are actively waiting for this series. And in our earlier classes, whatever topics we have covered so far, I hope you all are revising it on a daily basis. Friends, today's topic is how to use five confusing pronouns. प्रोनाउंस क्या है वो हम लोगों को मालूम है और डेफिनेट प्रोनाउंस क्या है और इनडेफिनेट प्रनाउंस क्या है वो मैं आज आपको रिवीजन करके बताऊंगी और वो जो फ़ाइव कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस है जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं लेकिन मैक्सिमम हम लोगों का रॉन्ग हो जाता है और बोलने से पहले हिचकिचाहट होती है कि यहाँ पे ईज लगाएं या आर लगाएं तो वो कन्फ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूंगी तो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो विद मी लेट्स बिगिन तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब ओके सो यहाँ पे ही शी के साथ ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्व जाएगा और दे वी डेम ये सब के साथ प्लोरल वर्ब ठीक है ये सब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है जब हम लोग बोलते हैं कुछ सेंटेंस तब सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना उस सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट क्या है वो वही है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया ओके okay? तो इसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं सो फ्रेंड्स यू ऑल कैन सी आउट योर देर आर टू प्रनाम्स वन इज डेफिनिट एंड अनदर वन इज इनडेफिनट सो योर इनडेफिनिट और

वी हैव ओके तो ऐसे हम लोगों को वर्व यूज़ करना है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है जब हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं इंडिफिनेट प्रोनास क्या है ये वर्ड्स कुछ ये कुछ वर्ड्स है ठीक है बहुत सारे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउ्स मैंने इनकलूड किया सिर्फ इतना अभी तो यहाँ पर देखिए ये एक रो में है ये दूसरे और ये थर्ड रो में ठीक है थीके? तो ये सभी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जैसे कि एवरीबडी दिखने में तो ये प्लूरल लगता है लेकिन ये है सिंगुलर एवरी वन ये भी सिंगुलर है एवरी थिंग ये भी सिंगुलर प्रणाम है एवरीबडी बडी नो बॉडी स्मॉल स्पेनिंग मिस्टेक प्लीज़ रेक्टिफाई फ्रेंड्स नो बडी एवरी ठीक है तो ये सभी है सिंगुलर दिखने में लगता है कि ये प्लुरल है ठीक है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा और ये है प्लोरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस तो इनके साथ प्लुरल ये प्लुरल है इसलिए इन लोगों के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ प्लुरल वर्ब जाएगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ठीक है लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे आज और जानेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ठीक है आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ये पांच इनडेफिनेट प्रनाउंस जो कि हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते सो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट ऑफ ऑल दीज इनडेफिनेट प्रनाउंस दिज फाइव आई हैव रिटन दीज दिस मोस्ट ट्वाइस प्लीज अवॉइड दिस आई टेल यू

फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस what आर इनडेफिनेट pronouns सो इनडेफिनेट pronouns? So, pronouns वो pronouns है जो कि किसी चीज़ में लिमिटेड नहीं है जैसे मैं कहूँ ही ही है डेफिनेट प्रोनाउन ही का मतलब एक इंसान है ना शी बोलूँ तो एक इट बोलूँ तो एक ठीक है लेकिन अगर मैं कहूँ everybody, everyone, everything तो क्या पता चलेगा ज़्यादा है ना एक ग्रुप या फिर मोर इन नंबर्स ऐसा हम लोगों को समझ में आता है तो इनको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है ये कितने भी लोग हो सकते हैं एवरीबडी पाँच हो सकते हैं दस हो सकते हैं पाँच हो सकते हैं दस हो सकते हैं ओके मोर देन दैट इज वेल एवरीबडी बहुत लोग कुछ भी हो सकता है नंबर ये कोई डिफाइंड नहीं है ओके okay? तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं इनडेफिनेट क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है वेर एज आई वी दे में डेफिनेट होता है कि आई तो कौन मैं, ठीक है दे वो स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे ठीक है नेक्स्ट शी ही इसमें भी हम लोग दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली ओके okay? तो डेफिनेटली वी आर पॉइंटिंग आउट टू सम समर्सन देफो दोज आर डेफिनेट प्रोनाउंस वेराज यहाँ पे वैसा नहीं है ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है ये कोई भी हो सकता है कितने भी नंबर्स के हो सकते हैं ओके okay? तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है

सिंगुलर में यूज़ करते हैं और कब प्लूरल में ये हम लोग जानेंगे अगर हमको इसका रूल्स पता चल गया तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है क्योंकि इसको डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब चाहिए इसको प्लूरल वर्ब चाहिए लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि क्या रूल है जहाँ पे कि मोस्ट जो सेम वर्ड है वो प्लोरल बन जाता है कहीं पे और कहीं पे सिंगुलर वर्ब लेता है ओके सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है ये हमको समझना है तो चलिए समझते हैं दूसरे स्लाइड में सो लेट्स सी सम ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दीज वर्ड्स एवरीबडी इज गोइंग एवरी वन इज़ देर एवरी थिंग इज लर्नड समबी इज़ गोइंग एनीबडी इज कमिंग देर इज एनी बडी कमिंग देर नो बडी हैज़ गॉन आउट ईच वन ऑफ देम इज हियर एवरी वन इज गोइंग To have fun, much more is required. Okay, so all these are singular pronouns and uses singular verb is everybody is, everyone is, everything is, somebody is, anybody is, nobody is, each one of them is, etc. Now, let's move to these words both are going out, several people are there few are left to come many are competitors others are having fun so here we use are okay and here we use is so this is verb which we use along with these indefinite pronouns now let's move to these five and let's see when they are used as singular and as plural okay friends let's see when most all none any and some are used in singular form and in plural form before using we must understand the rule and rule behind this particular use of verb after indefinite pronoun is that when indefinite pronoun is there okay the word which follows will decide whether we are using singular verb or plural verb now here you can see most of the book is interesting most of the book is interesting not all okay not all parts of the book but most of the parts of the book is interesting so here we have we used is because book Book is singular. Okay. So this sentence is correct. And second one as well. See here. Most of the books are interesting. Most of the most here. Indefinite pronoun. And then what follows here? Next is books. Okay. First one was book. And here it is books. So we have to use. Plural verb that is are most of the books are interesting. So, here we are talking about general books. Okay, here we talked about parts of the book, and here general books. There are so many books in the world, so most of the books are interesting. Okay, so here most of the part of the book is interesting. So, I hope I was able to make you all clear about this. Let's move to another one friends in order to use proper verb you need to have a good command over countable and uncountable nouns so the first example was very easy book is countable okay first one is singular and next one is plural all right now number 3 okay here you can see number 3 example is most of the furniture was expensive now why furniture is singular. It is because furniture cannot be a countable noun. Okay, keep in mind that furniture cannot be a countable noun. You must be thinking that furniture we can count, but no, because it is a generic term for wooden pieces. Okay, like chairs, tables, drawers, etc. So, usually furniture does not exist and you cannot see the furniture. What you see? You see a chair, a table, a dressing table, etc. Okay, you don't see furniture exactly. It is a term for a collection of items which are made out of wood. Alright, therefore, furniture is uncountable. Please keep in mind. And uh, there are so many words which are going to be very confusing. Okay, because when we sit and decide, what is countable noun and what is uncountable noun then you will be in dilemma like bread bread you cannot say give me three breads no that is wrong because bread cannot be counted okay bread is uncountable you have to say give me three loaves of bread okay give me three loaves loaf is singular loaves is Plural. Okay. So you can say three loaves of bread. You can say three bags of breads. Okay. But not three breads because this bread is an uncountable noun. Alright. I hope I was able to make you all clear. Let's see the example. Most of the furniture was expensive okay most of the furniture was expensive because furniture is uncountable noun we have to use singular verb now for this you have to mug up all those words or you have to understand that when things becomes countable and when things becomes uncountable for that also i will make video someday okay let's move to another one most of the chairs were expensive as i told you all we cannot see furniture exactly, we can see collection of things which are made out of wood. Alright. So here chair we can count, right? Four, three, five. So here most of the chairs were expensive. We have used verb war. Okay, pronunciation will not be where, pronunciation will be war. War. Okay. Keep in mind war. Okay. Let's move to fifth example all of the food was delicious now here also food is also uncountable noun because we cannot count food we can count different foods which come in this category three plates of chow mein we cannot say three plates of food okay three plates of rice we can say that but not three plates of food three packets of food no okay so this is uncountable just like furniture, so we have to use was. Let's move to so. Here, what is happening with most? We have used singular verb, with most, we have used are, and both are correct. With most, we have used singular verb, with most itself, we have used plural, and both are correct. Let's move to next one, and it is all. All is the indefinite pronoun all of the food was delicious this is also correct singular verb because food is uncountable noun all of the desserts now see as i had told you that food items we can count but not the food here desserts dessert what is dessert it is sweet dish which we usually take at the end of the meal okay so desserts you can count so, all of the desserts were delicious. All of the desserts, S yes, is there, so were. Okay, desserts you can count how many cups of desserts, how many scoops of ice cream. Alright, so here becomes plural. Okay, next number seven. None of the equipment was delivered. Now, see, equipment was equipment you must be thinking that equipment is plural noun but no it is not why it is because equipment means different things okay which are called collectively which are given a term collectively and that is equipment okay you cannot definitely say that this is equipment no this might be knife this might might be screwdriver this might be nails etc but this is not equipment you cannot say that it's just like furniture we have so many things under this heading equipment okay but particularly we cannot say what is that therefore it is singular noun next none of the computers were delivered now computers ye equipment hai. ठीक है ये इक्विपमेंट है ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो कि हम लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया व ठीक है नन ऑफ द कंप्यूटर्स वो डिलीवर्ड बट नन ऑफ द इक्विपमेंट वॉज डिलीवर्ड सिंगुलर व्यव प्लोरल वर व्यव ओके ओके लेट्स मोर एग्जाम्पल्स चलिए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखिए एनी इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे है एनी और क्योंकि ये क्वेश्चन है हम लोगों ने वर्ब को आगे लगाया ये एक क्वेश्चन बनाने का दिस इज़ वन ऑफ दी टेक्निक ठीक है जब वर्ब को हम लोग आगे रख देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पे हमारा टॉपिक है एनी के साथ में कौन सा वर्ब यूज़ होगा तो एनी के साथ में होगा सिंगुलर वर्ब ये क्यों ये इसलिए क्योंकि इसके साथ क्या हम लोग देख रहे हैं एडवाइस एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते है ना एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसीलिए हम लोगों को यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब ओके हम लोग नहीं कह सकते कि एडवाइसेस वी डोंट नीड योर एडवाइसेस नो वैसा नहीं होता राइट तो हमको सिंगुलर वर्स सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है एडवाइस के साथ में लेट्स मूव टू नंबर टेन वोर एनी ऑफिस आइडियाज़ हेल्पफुल देखिए एनी यहाँ पे है अब यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आइडियाज़ आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं ना वन टू थ्री आई हैव गॉट एन आइडिया मेरे दिमाग में एक आइडिया है ठीक है मैंने उसको तीन आइडियाज़ बताए थे जिसमें कि दो काम कर गया है ना तो इस तरीके से हम लोग आइडियाज़ को प्लोरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं लेकिन एडवाइस को नहीं तो जहाँ पे प्लोरल है वहाँ पे व हो जाएगा यहाँ पे एनी जो है वो सेम रहेगा एनी के साथ में हम लोगों ने सिंगुलर वर्ड सिंगुलर वर्ब यूज़ करके भी इसको यूज़ किया प्लोरल वर्ब यूज़ करके भी सेंटेंस बनाया और दोनों के दोनों करेक्ट हैं ठीक है थीके?

ठीक है मोस्ट ऑल नन एनी सम तो इन्हीं वर्ड्स को आज हम लोग देखते हैं और ये प्रिंसिपल आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं पहले देखना है कि वर्ड कौन सा है और कौन सा वर्ब फॉलो हो रहा है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे ठीक है नाउन देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लोरल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे आई होप जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है अब मैं एक्सरसाइजेस के थ्रू आई वुड लाइक टू टेस्ट वेदर यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट और नॉट लेट्स गो एहेड विद द एक्सरसाइजेस नाउ फ्रेंड्स लेट्स चेक वेदर द एक्सप्लैनेशन दैट वॉज मेड बाई मी वॉज क्लियर टू यू ऑल और नॉट फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप सबके सामने किया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं अगर आया तो आप लोग इसका आंसर करेक्टली देंगे और नहीं तो फिर आप मिस्टेक करेंगे ये दस एक्सरसाइजेस हैं मेरे सामने और आप लोगों के सामने भी मुझे बताइए कि आउट ऑफ टेन आपका मार्क्स कितना आया ठीक है ये मार्क्स नहीं है इट्स मार्क्स एम ए आर के एस मार्क्स ठीक है तो आपका मार्क्स कितना आया मुझे सिंसियरली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन से मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश एब्सेंट मोस्ट ऑफ द टीचर्स सॉरी सम ऑफ द टीचर्स सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट हियर वी हैव टू यूज आर ओके सम ऑफ द टीचर्स आर बिकॉज टीचर्स यहाँ पे क्लू मिल गया हम लोगों को टीचर्स प्लोरल फॉर्म ठीक है तो सम को यूज किया है प्लूरल नाउन के साथ ठीक है ओके नेक्स्ट मोस्ट ऑफ माय होमवर्क डैश फिनिश्ड होमवर्क इज अनकाउंटेबल नाउन देयरफॉर मोस्ट ऑफ माय होमवर्क इज फिनिश्ड ओके डैश एनी ऑफ योर लंग्वेज मिसिंग नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड यूनिट यूज दैट थ्योरी विच आई टोल्ड यू अबाउट फर्नीचर डैश एनी ऑफ योर लगीज मिसिंग हियर द करेक्ट आंसर विल बी ईज वाई इज लगेज इज अनकाउंटेबल नाउन ओके बट इफ यू से माई सुटकेस इज मिसिंग और माई सुट केसेज आर मिसिंग बोथ विल बी राइट अगर आप स्पेसिफिकली वो लगेज का नाम लेके बोलते हैं तब वो काउंटेबल नाउन हो जाता है जैसे बैग बैग्स देन सुटकेस सुटकेस ट्रॉली ट्रॉलीज ठीक है लेकिन लगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है तो यहाँ पे हमको यूज करना है ईज ईज एनी ऑफ योर लगेज मिसिंग नेक्स्ट नान ऑफ द प्लेयर्स डैश इंज्योर्ड प्लेयर्स नान को यूज़ किया है प्लोरल में क्योंकि यहाँ पे एस है जैसे टीचर्स में एस था यहाँ प्लेयर्स में एस है इसलिए आर नान ऑफ द प्लेयर्स आर इंज्योर्ड ठीक है ऑल लर्निंग डैश यूजफुल ऑल लर्निंग लर्निंग इज अनकाउंटेबल विद्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते right? इसने दो सीखा है इसने तीन सीखा है ऐसा होता है नहीं नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है कोई काउंट नहीं कर सकता इसलिए ऑल नॉलेज इज यूजफुल ओके लेट्स मूव टू नंबर सिक्स डैश एनी ऑफ़ माई आंसर्स इन करेक्ट ये तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए यहाँ पे है एस तो यहाँ पे लगेगा आर आर एनी ऑफ माई आंसर्स इन करेक्ट ओके सम राइस डैश फ्रैगरेंट फ्रैगरेंट मतलब जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है जिसका सेंट हम लोगों को मिलता है एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंट को ठीक है खुशबूदार चावल ओके okay? वे सम राइस डैश फ्रैगरेंस राइस इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल हम लोग काउंट कर सकते हैं चावल को नहीं पूरा दिन रात लग जाएगा अगर चावल को काउंट करने के लिए बैठ गए तो तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं अनकाउंटेबल में सम राइस इज फ्रैगरेंट ओके सम राइस इज फ्रैगरेंट नेक्स्ट नंबर एट नन ऑफ द मटीरियल डैश यूजफुल मटीरियल याद कीजिए लगेज को याद कीजिए फर्नीचर को ठीक है तब आपको पता चलेगा मटीरियल इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन मटीरियल के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर वो चीज़ों का नाम लेके हम लोग बोलेंगे तो वो काउंटेबल है लेकिन मटीरियल अनकाउंटेबल ओके नन ऑफ द मटीरियल इज़ यूजफुल नन ऑफ द मटीरियल इज़ यूजफुल नॉट मटीरियल्स एंड आर वैसा नहीं होता मोस्ट शोज़ डैश अ वेस्ट ऑफ टाइम मोस्ट शोज यहाँ पे किसी शो के बारे में बात हो रहा है जैसे एनिमल शो हो सकता है या टीवी शो या फिर थिएटर शो एक्सेट्रा मोस्ट ऑफ मोस्ट शोज एस है यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा आर मोस्ट शोज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम नेक्स्ट नंबर टेन द लास्ट वन आर सॉरी ऑल योर फ्रेंड्स डैश सेफ फ्रेंड्स एस है एस है तो आर भी होगा ऑल योर फ्रेंड्स आर सेफ ओके ये दस क्वेश्चन में से आपने कितना मार्क्स होल्ड किया प्लीज़ लेटमी नो सिंसियरली झूठ बोलना है तो आप कमेंट ही मत कीजिए ओके okay? और कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो जस्ट लेटमी नो स्क्रीन शॉट लीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज़ को मास्टर करने के लिए यू हैव टू हैव कमांड ओवो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अगर उसमें आप फेल खा जाते हैं तो आपका यहाँ पर गलती होना लाजमी है ठीक है तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे और उसको किस वर्ब के साथ में यूज़ करना है उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग थैंक यू एवरी वन